विद्रोह काल की हम जो की बात कर रहे हैं, देश के अलग अलग इलाकों से जहां जहां भी केंद्र सरकार के लिए विद्रोह की स्थिति पैदा हो रही है उसका जिक्र हम कर रहे हैं। और एक विद्रोह की आवाज जो है वो दक्षिण से आ रही है। ये विवाद जुड़ा हुआ है गैर हिंदी राज्यों में हिंदी पढ़ाने का प्रस्ताव देने वाली शिक्षा नीति के मसौदे से। विवाद बढ़ते ही केंद्र सरकार ने इस मसौदे पर सफाई दी है। रविवार को सरकार ने अपनी सफाई में कहा है कि किसी भी राज्य पर हिंदी थोपी नहीं जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करके भरोसा दिलाया है कि इस ड्राफ्ट को अमल में लाने से पहले इसकी समीक्षा की जाएगी। आपको बताएं कि मोदी सरकार के दोनों ही मंत्री तमिलनाडु से हैं। नई शिक्षा नीति का सबसे ज्यादा विरोध तमिलनाडु में ही हो रहा है, इसीलिए मोदी सरकार के मंत्रियों ने इस बारे में ट्वीट करके जो लिखा वो तमिल में उन्होंने लिखा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी लोगों से अपील की थी कि वो नई शिक्षा नीति के मसौदे का अध्ययन करें, विश्लेषण और बहस करें, लेकिन जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें। आपको जानना चाहिए कि दक्षिण में हिंदी को लेकर अदावत का एक इतिहास रहा है। कहते हैं कि साल 1928 में मोतीलाल नेहरू ने हिंदी को भारत में सरकारी कामकाज का हिस्सा बनाने का प्रस्ताव दिया था। इसका तमिल नेताओं ने पुरजोर विरोध किया था। आजादी के बाद साल 1960 में अन्ना दुराई ने वो मशहूर भाषण दिया था। इसमें उन्होंने संख्या बल के आधार पर हिंदी को महत्व देने के तर्क को कठोरता से खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि शेरों के मुकाबले चूहों की संख्या अगर ज्यादा है तो क्या चूहे को राष्ट्रीय पशु बना दिया जाए। इस भाषण पर विवाद खूब हुआ, लेकिन तब से लेकर आज तक हिंदी की स्वीकार्यता का विवाद जारी है। आज भी इसे लेकर सर्वसम्मति नहीं बन पाई है। तमिलनाडु में विद्रोह के सुर सबसे ज्यादा हैं। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया है कि तमिलों के खून में हिंदी नहीं है। तमिलनाडु के साथ साथ विद्रोह के स्वर बाकी राज्यों जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात और बंगाल तक में सुनाई दे रहे हैं। ये वो राज्य हैं, ये वो प्रदेश हैं जहां पर लोग मानते रहे हैं कि उनकी भाषा हिंदी के मुकाबले कहीं ज्यादा प्राचीन है और समृद्ध है। इस बीच महाराष्ट्र में मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने भी बयान दे दिया है और ये कहा है कि हिंदी कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है और इससे हम पर मत थोपो। तो ये पूरा विवाद है जो कि हिंदी को लेकर अब फिर से एक बार खड़ा हो गया है। अशोक राजपूत जी, ये कोई पहला दफा नहीं है जब हिंदी को लेकर इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं या फिर ये विद्रोह खड़ा हुआ है, विवाद खड़ा हुआ है। अब बीजेपी की जो सरकार है, केंद्र में मोदी सरकार है, दूसरी बार नरेंद्र मोदी चुनकर आए हैं बहुमत से, और जो इस मसौदे की बात हो रही है, शिक्षा नीति की बात हो रही है, उसमें जो कुछ भी कहा गया उसको लेकर कैसे दक्षिण के राज्यों से, इसके साथ ही महाराष्ट्र से, पश्चिम बंगाल से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं हम देख रहे हैं। कितना मुश्किल है या कितना बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है ये कि सर्वसम्मति बनाई जाए। और वेंकैया नायडू ने भी कहा है कि कोई जल्दबाजी करके आप फैसले पर मत पहुंचिए बल्कि इस पर बात करिए, लेकिन कैसे बात हो। देखिए, मैं इस विषय को जरा एक अलग नजरिए से देख रहा हूँ। हाँ। मुझे समझ में नहीं आया या क्या, बहुत लोग भी नहीं समझ पाएंगे। हाँ। कि सरकार के बने अभी एक हफ्ता नहीं हुआ है और अभी सरकार ने टेक ओवर भी नहीं किया है, मोदी रूल टू ने टेक ओवर भी नहीं किया है, तो अचानक से हिंदी वाला विषय आया कहाँ से। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंदर से कारपेट के नीचे दबा होगा, उसे निकाल करके बाहर फेंका है और उसकी कोई मंशा रही होगी, उसके पीछे एक अच्छा खासा कोई है। देखिए खबरें आ रही हैं, खबरें मेरे आज भी, मैं महाराष्ट्र में भी सुबह लोगों से बात हो रही थी और इधर आंध्रा भी बात हो रही थी। हिंदी को लेकर के एक पहले जो नैरेटिव था वो नैरेटिव आज भी बना हुआ है कि हिंदी को लेकर के एक अच्छी खासी अदावत है और अच्छा खासा विरोध होता है। हिंदी यूज में करते हैं लोग, बोलते हैं, सब कुछ करेंगे, लेकिन जब आप ऑफिशियली कोई बात को करें वैसे करने लगे तो वो आपके साथ नहीं करेंगे। दिल्ली आ जाएंगे वो आपके साथ सहजता से बातें करेंगे आपके, लेकिन यही जब आप तमिलनाडु में चले जाएंगे। एक्चुअली एक समय रहा था कि एक बड़ा आंदोलन हुआ और उस हिंदी विरोधी आंदोलन लोगों की जाने भी गई। मुझे लगता है कि वह सब अब भारतीय जनता पार्टी 2 की सरकार आने के बाद, बड़ा मैंडेट आने के बाद, इसे कहीं से फ्यूज करने के लिए, पिन मारने के लिए एक तरीका है और शुरू में ही दबाव अर्दम में सरकार आ जाएगी तो मुझे लगता है कि बैकफुट पर हो जाएगी और इस तरह के विषय किनारे हो जाएंगे। तो आपको लगता है कि जो नई शिक्षा नीति का मसौदा आया है जिस पर इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया, इसे बचा जा सकता था, शुरुआत में बात की जा सकती थी। हां, अभी तो नहीं आना चाहिए की कोशिश की जा सकती। आप सही कह रही हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये तो जरूरी था कि अभी इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए। अभी तो 30 दिन और 100 दिन का एक विषय होता है, इसमें डाल करके छोड़ करके
करके रहना चाहिए था, इतनी जल्दी तो नहीं आना चाहिए था, और आना था तो पहले थोड़ा सा सर्कुलेशन में आना चाहिए था, और सर्कुलेशन में लीकेज जिसे कहते हैं मीडिया में एक लीकेज कहते हैं, मीडिया लीकेज होनी चाहिए थी, वह बात आनी चाहिए थी ताकि लोगों का माइंड सेट हो जाता और उसके बाद फिर एक कुछ कदम बढ़ाने की स्थिति होनी चाहिए थी। ये भी जो हुआ है जो, और जो जयशंकर प्रसाद और ये जो विदेश मंत्री और रक्षा ये क्या नाम अपने वित्त मंत्री जो ट्वीट कर रही है, दोनों लोग ट्वीट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद इन दोनों के भी कोई सेख की स्थिति भी नहीं है। उपराष्ट्रपति जी की जो अपनी स्थिति है वह तो बिल्कुल सही है, और लोग बोलेंगे, बीजेपी के लोगों को थोड़ा सा अपनी बात को कहना चाहिए। हाँ। बीजेपी लोग पता नहीं बात कहने से हट रहे हैं, और हाँ। इन मंत्री, मुझे सीतारमण का वित्त मंत्री का तो इस मामले में कोई विषय ही नहीं है, वो खुद भी संवाद कर रहे हैं, वो तमिलनाडु से हैं। हाँ, जरूर, लेकिन अभी उनकी कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, अभी इतनी जल्दी से नहीं है कि वो एक स्पोक्समैन हो जाए, तमिलनाडु के स्पोक्समैन नहीं है वो। ठीक, राजेंद्र जी, इस पर एक छोटी सी टिप्पणी मैं आपसे भी लेना चाहती हूँ कि जैसे हमने अन्ना दुराई की बात की, उनके उस भाषण का जिक्र बार बार होता है जिसमें उन्होंने बड़ी कठोरता से खारिज कर दिया था कि हिंदी हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं, उसका कारण जो दिया था उस पर विवाद हो सकता है, लेकिन आज भी तमिलनाडु में या अलग अलग दक्षिण के राज्यों में जो नेता राजनीति कर रहे हैं उनकी भी एक अपनी मजबूरी है, या फिर उनको खुद की एक्सेप्टेंस के लिए इसका विरोध करना ही पड़ेगा। जिस तरह के बयान स्टालिन की ओर से आए या राज ठाकरे की ओर से आए महाराष्ट्र से, या फिर शशि थरूर की ओर से आए, आपको लगता है कि इतना आसान होगा सर्वसम्मति बनाना, क्योंकि उनकी भी अलग मजबूरी है, वो तो विरोध करेंगे ही। नहीं, इसको आप एक पक्षी विरोध मत देखिए कि ये दक्षिण से विरोध हो रहा है। हाँ। हम प्रवोक कर रहे हैं दक्षिण को, क्या विरोध बंगाल से भी हो रहा है, महाराष्ट्र से भी हो रहा है, पूरे देश से विरोध। देखिए बात क्या है, राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी में जो सरकार की मंशा है कि तीन भाषाएं बच्चों को आठवीं क्लास तक पढ़ाई जाएं, एक प्रांतीय भाषा होनी चाहिए, एक राजभाषा होनी चाहिए, एक अंग्रेजी होनी चाहिए। अब तमिलनाडु वालों का कहना है कि हम, आप तमिल नहीं पढ़ते, हिंदी भाषी राज्य के लोग, तो हम हिंदी क्यों पढ़ें। इसके लिए 1965 में जो विरोध हुआ था उसके बाद इस मसले को पर एक सहमत बन गई थी कि हम बिला वजह थोपेंगे नहीं कुछ। और ये जो पॉलिसी का जो ड्राफ्ट आया है ये थोपने वाली ही बात है, अभी इसमें कुछ फैसला नहीं हुआ है, विचार आएंगे, एक विरोध आएगा, तो उन्होंने अपना विरोध बता दिया है कि ये रास्ता इतना आसान नहीं है कि बीजेपी अपना एजेंडा इस मामले में लागू करे। अब आगे क्या फैसला लिया जाना, अच्छा, आपको ये देखा है कि ये जो ड्राफ्ट आया है, जो मसौदे की बात हो रही है, उसे सीधा संदेश ये गया है कि बीजेपी अपना एजेंडा थोपने की कोशिश कर, ये बात है, खाली कस्तूरी रंगन की रिपोर्ट के आधार पर ये आ रहा है कि संघ और बीजेपी का जो एजेंडा है हिंदुत्व और हिंदी को बढ़ाने का, उसका 65 में भी विरोध हुआ था, आज भी वही स्थिति है, और आगे अब सरकार को फैसला लेना है कि वो पूर्ण बहुमत के आधार पर राज्यों की बात समझते हैं या नहीं समझते, राज्यों के विरोध को तवज्जो देते हैं या नहीं देते। ठीक है, ये देखना। राष्ट्रभाषा का दर्जा हिंदी को नहीं मिला है, ये दर्शकों को जानना चाहिए, और दो बड़े नेताओं की ओर से बहुत बड़ी प्रतिक्रिया, तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं। स्टालिन ने कह दिया है कि तमिलों के खून में हिंदी नहीं है, और इसके साथ ही राज ठाकरे ने यह कहा है कि हम पर थोपिए मत, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है।